पहला चैप्टर का नाम क्या है? रिवीजन ऑफ नंबर्स। देखते हैं, देयर आर 10 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर्स आर रिटन यूजिंग दिस डिजिट। वन डिजिट नंबर आर 0, 1, 2, 8, 9। तो वन डिजिट नंबर कितना है? 0 से 9 तक। द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 0। जहाँ से शुरू हुआ तो वो स्मॉलेस्ट हो गया। द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। जहाँ से खत्म हुआ तो वो लार्जेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह टू डिजिट नंबर आर 10, 11, 12, 13 ऐसे करके 99 तक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा टू डिजिट का? 10। और लार्जेस्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा टू डिजिट का? 99। उसी तरह एग्जाम्पल हो थ्री डिजिट नंबर, तो 99 में ख़त्म हो गया टू डिजिट। तो शुरू कहाँ से हो गया थ्री डिजिट का? पहला डिजिट 100, 101, 102, 103, उसी तरह चलेगा 999 तक। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा 100 और लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा 999। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इन एनी सेट ऑफ टू नंबर्स आइदर द नंबर्स आर इक्वल सिंबल को इक्वल, ये इक्वलिटी का सिंबल है। नंबर्स इज ग्रेटर देन द अदर, अगर ग्रेटर देन है वन, एक दो डिजिट का अगर कंपेयर करेंगे तो पहला डिजिट अगर ग्रेटर देन है दूसरा डिजिट से तो ग्रेटर देन लगेगा, और दो डिजिट का अगर कंपेयर करेंगे पहला डिजिट छोटा है दूसरा डिजिट से तो स्मॉलर देन का सिंबल लगेगा। एग्जाम्पल 10 और 9 में बड़ा कौन है? 10, इसीलिए ये ग्रेटर देन हो गया। उसी तरह अभी सब बड़ा दिया, सब बड़ा है, ठीक है।